वहीं नारनौल में बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह नामांकन करने के लिए पहुंचे। धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ से नामांकन किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद रहे। धर्मवीर सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने देश प्रदेश में बेहतरीन काम किया और आगे भी करती रहेगी। हम दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, परंतु दिल्ली का फायदा हम इसलिए ले पाए क्योंकि एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, बंबई की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। आज गुड़गांव रिवाड़ी, गुड़गांव से ऊपर जाओगे तो 40-40, 50-50 करोड़ का एकड़ है, पर एकड़ वहाँ की इंडस्ट्री हमने किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में लेके आनी है। अब ये कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, भविष्य का प्रोग्राम हमारा यही होगा कि जहाँ बची हुई कनेक्टिविटी है वो पूरी हों और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र यहाँ लगें ताकि यहाँ ज़मीन सस्ती है। उसके बाद जब बड़े उद्योग लगेंगे और हमारी 5 साल की प्रायोरिटी यही रहेगी कि रोजगार देने के लिए हम बड़े बड़े उद्योग तीनों जिलों में लेके। आज चौधरी धर्मवीर का हमने नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर पूरी बीजेपी, हरियाणा सरकार के मंत्री अभय सिंह यादव हैं, अटेली से विधायक सीताराम यादव हैं, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश जी यादव हैं, पूरी भाजपा आज अभी आप जनसभा में देखेंगे। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत ज़रूरत है। जनता बड़ी बारीकी से देखती है चीज़ों को और जो यहाँ काम हुए हैं उन सारे कामों का परिणाम आपको जब मशीनें खुलेंगी, बैलेट इसकी ईवीएम, आपको स्पष्ट नज़र आएगा। और कभी भी झूठा प्रचार करने से कोई नहीं मानती पब्लिक, पब्लिक पूरे 5 साल देखती है, बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है और मुझे विश्वास है कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले की जो पब्लिक है विकास को